हाय फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि हम सभी के साथ ऐसे हो जाता है कि जब हम कहीं दूर से ट्रैवल करके आते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं और फिर वो थकान हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। मैं भी अभी एक 10 घंटे का सफ़र तय करके आई हूँ और रात भर बिल्कुल सोई नहीं, तो जैसे कि दिख रहा है कि मेरे आईज के अंदर डार्क सर्कल्स है और मेरा चेहरा बहुत ही डल और थका हुआ नज़र आ रहा है। पर इसके लिए मेरे पास है एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन। हम लोग बनाने वाले हैं ओट मील का एक स्क्रब और फिर हम बनाने वाले हैं मस्त मेलन यानी खरबूजे का फेस पैक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ओट मील स्क्रब। ओट मील सारे स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो स्किन के इरिटेशन को कम करता है और ये स्किन को क्लीन और क्लियर भी बनाता है क्योंकि ये एक क्लेंजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। इसके बाद हम लेंगे हनी या शहद। ये एक एंटी बैक्टीरियल है जो कि एक्ने ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि एजिंग प्रोसेस को कम करता है और ये मॉइस्चराइजिंग और सूदिंग भी है जिससे हमारे फेस पर एक बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है। फिर हम लेंगे टर्मरिक या हल्दी। ये एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है। ये डार्क सर्कल्स, रिंकल्स और स्कार्स को भी कम करने में मदद करता है। ये ऑयल सीक्रेशन कम करता है जिससे हमारी स्किन क्लियर, स्मूथ और एक्ने फ्री हो जाती है। फिर हम लेंगे दूध। ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और एक बहुत अच्छा क्लेंजर भी है। ये स्किन के पोर्स को कम करता है, स्किन के इरिटेशन को कम करता है और डेड सेल्स को भी रिमूव करता है। क्वांटिटीज इस प्रकार से लेनी है: 2 टेबलस्पून ओट मील, 2 टेबलस्पून शहद या हनी, 1 पिंच टर्मरिक और 2 टेबलस्पून दूध। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक थोड़ा सा गाढ़ा या थिक पेस्ट बना देंगे। तो अब हमारा ओट मील स्क्रब रेडी हो गया है। इसको अब हम साइड में रख देंगे और अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा मस्त मेलन का फेस पैक। मस्त मेलन को हम लोग खरबूजा भी कहते हैं। इसमें है विटामिन ए, B6, सी, ई, के और फॉलिक एसिड जो हमारी स्किन को हेल्दी, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग रखने में मदद करता है। ये हमारी स्किन को रिजुविनेट और रीजनरेट भी करता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है। फिर हम लेंगे मिल्क क्रीम या मलाई। इसमें है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो कि हमारी स्किन को वो हेल्दी लुक देता है। ये हमारी स्किन को सॉफ्टन, मॉइस्चराइज और ब्राइट भी बनाता है और सारे डेड स्किन सेल्स से छुटकारा भी हम इससे पा सकते हैं। ये पोर्स को टाइटन करता है, स्किन के इरिटेशन को कम करता है और रिंकल्स को भी कम करने में मदद करता है। फिर हम लेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स। इसमें जो ऑयल है इसमें है एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ये हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है और एक मॉइस्चराइजर के तौर पे भी ये हमारी मदद करता है। मस्त मेलन फेस पैक बनाने की क्वांटिटीज है: 3 टेबलस्पून मस्त मेलन के बारीक कटे हुए पीसेस, 1 टेबलस्पून मिल्क क्रीम और 2 विटामिन ई के टैबलेट्स। फेस को अच्छे से धो लेने के बाद हमने जो ये स्क्रब तैयार किया है इसको अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। ये स्क्रब आप अपने फेस पर या तो अपनी उंगलियों से या फिर किसी फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। अपनी आंखों के एरिया को छोड़ के इस स्क्रब को अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कीजिए। इसको हल्का सा स्किन में रब भी हमें करना है सर्कुलर मोशंस में। अगर आपको लगता है कि ये मैसी हो सकता है तो एक टॉवल लगा लीजिए। ये स्क्रब अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम हमारे फेस को अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा मस्त मेलन का फेस पैक। तो अब इस तरह से हमें ये फेस पैक हमारे फेस पे अप्लाई करना है। स्क्रब की तरह ही हमें इसको भी सर्कुलर मोशंस में अप्लाई करना है।
इसमें जो मलाई है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है। मैं अंदर से भी बहुत रिजुविनेटेड फील कर रही हूँ और मेरे फेस पे जो थकान दिख रही थी या वो एक टायर्ड लुक जो था वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आप भी इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ओटमील स्क्रब और मस्कमेलन फेस पैक आपकी थकान या जेट लैग को पूरी तरह से गायब कर देगा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए और नीचे दिया गया रेड बटन दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।